हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज मैं अपोलो फार्मेसी का बेबी वाइप्स का रिव्यू लेके आई हूँ। इसका रिव्यू मेरे चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि है बंगाली में, फिर भी इसका रिव्यू मैं लेके आई हूँ हिंदी में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आप ये प्रोडक्ट हिंदी में रिव्यू कर दो। तो मैंने सोचा है कि अभी से मैं जो भी प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगी वो दोनों में ही करूँगी, बंगाली और हिंदी। जो कि मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, या फिर मैं पूरा पूरा प्रोनाउंसिएशन और उसका जो वर्ड होता है पर्टिकुलर हिंदी में वो कभी कभी मुझे पकड़ में नहीं आता है, तो इसके लिए थोड़ी सी भूल तो होगी। तो आप लोग देखना रिव्यू को एंड तक और सपोर्ट करना मुझको, और मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो चलिए, ये आता है 80 वाइप्स के साथ एक पैक में, और इसका प्राइस है 280 रुपीज़। 280 में आप ये इस तरह की दोनों पैक आप परचेस कर सकते हो। ये अपोलो फार्मेसी का है और इसका डेट यहाँ पर मेंशन हुआ है 2024 सेट, आप 2027 तक इसको यूज़ कर सकते हो। और इसका MRP, हाँ यहाँ पर 100 रुपीज़ ऑफ लिखा है, 100 रुपीज़ ऑफ लिखा है। तो इसका प्राइस पहले था 280 रुपीज़, अब यहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ है 190 रुपीज़। तो 190 में आप 80 सीट का, 80 वाइप्स का दोनों पैक आप ले सकते हो, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ अपोलो फार्मेसी में ही। तो और कहीं भी ये प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा 80 वाइप्स का, मतलब आप दोनों पैक को मिलाकर होता है 160 वाइप्स आप खरीद सकते हो सिर्फ 190 रुपीज़ में। तो ये बहुत ही फ़ायदे का डील है। तो आप ज़रूर, जिन जिन लोगों के घर में बेबी है तो बेबी के लिए आप कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हो, बेबी वाइप्स यूज़ करते हो, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा है, स्किन फ्रेंडली है, बेबी को कई रैश पिंपल रैश जो कि होता है नैपी रैश वो नहीं होगा इसको यूज़ करने से। और बेबी को स्किन का जो मॉइस्चर है वो इससे नहीं जाएगा। यह इसमें विटामिन ई एलोवेरा दिया हुआ है, तो इसके लिए बेबी का स्किन बहुत ही सॉफ्ट और हाइड्रेट रहेगा। और जो बेबी के अलावा अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हो तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हो, जो कि मेकअप रिमूव के लिए और रिफ्रेशिंग के लिए। कोई हम लोग कहीं बाहर जाते हो तो फेस वॉश करने की जगह नहीं मिलती है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए क्लीनर बेसिस पे। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। इसका साइज़ है, साइज़ भी यहाँ पर मेंशन हुआ है, 200 mm इंटू 150 mm। तो आप इसे इजीली मेकअप भी रिमूव कर सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाकर, ये वेट वाइप्स है, ड्राई नहीं है, ये वेट वाइप्स है। तो अभी अभी मैंने इसको यूज़ किया है, आप देख ही सकते हो। इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, ड्राई होने के बाद आप लोगों को यूज़ करके इसको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे। तो थोड़ी देर में आती हूँ। तो चलिए अब इसको क्लीन करके देखते हैं। इजीली आप इससे अपने मेकअप को भी हटा सकते हो और आपका स्किन का जो ड्राई स्किन को ये ड्राई नहीं करेगा एकदम भी, स्किन का जो मॉइस्चर है वो लॉक करके रखेगा, स्किन को हाइड्रेट करेगा, स्किन को रिफ्रेश करेगा। तो आप ये प्रोडक्ट ज़रूर ले सकते हो, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आज का रिव्यू इतना ही है, अगर रिव्यू अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और इस तरह की रिव्यू पाने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।